हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 20 में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में गोलीय लेंसों को पढ़ा था तो उसमें तीन प्रधान बिंदु पढ़े थे, प्राथमिक फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशित केंद्र। उन तीन प्रधान बिंदुओं से निकलने वाली किरणों के बारे में पढ़ा था तो उन्हीं किरणों की सहायता से हम किरण आरेख बनाएंगे। तो उन किरणों को एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि गोलीय लेंस का ज्यामितीय केंद्र बिंदु जिससे गुजरने वाली किरणें बिना पथ विचलन के निकल जाती हैं प्रकाशित केंद्र कहलाता है। तो पहली प्रकाश किरण क्या बन गई? प्रकाशित केंद्र से जाने वाली बिना पथ विचलन के निकल जाएंगी, ये वन। तो ये वन का डैश ऑफ पथ विचलन। दूसरी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस में से गुजरने के बाद मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती हैं उत्तल लेंस के लिए। तो ये मुख्य फोकस बिंदु एफ लिख देते थे, या हम सेम सिक्वेंसी के रूप में एफ वन एफ टू भी लिख सकते हैं। और तीसरा था कि प्राथमिक फोकस बिंदु से चलने वाली किरणें लेंस में से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इन तीन किरणों का उपयोग करते हुए हम किरण आरेख बनाएंगे। अगर इन्हीं किरणों को अवतल लेंस के लिए प्रदर्शित करें तो उसके लिए किस प्रकार से होंगी? ये अवतल लेंस, ये इसका द्वारक, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशित केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें इस प्रकार से फैल जाएंगी कि वो मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, जिसे हम प्राथमिक फोकस बिंदु कहते हैं, सॉरी मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, जैसे इसमें एफ था। जबकि मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु की ओर चलने वाली किरणें लेंस में से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और ये बिंदु कहलाता है प्राथमिक फोकस बिंदु एफ डैश। और तीसरा, प्रकाशिक केंद्र के अनुदेश चलने वाली किरणें बिना पथ विचलन के सीधे निकल जाएंगी। तो तीन किरणें होंगी कॉमनली अगर हम बोलें तो, मुख्य अक्ष के समांतर वाली मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेंगी या उससे आती हुई प्रतीत होंगी, दोनों के लिए कंबाइंड बोलें तो। दूसरा, प्राथमिक फोकस से चलने वाली या प्राथमिक फोकस के अनुदेश चलने वाली लेंस में से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और तीसरा, प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली बिना पथ विचलन के सीधे निकल जाएंगी। इनके आधार पर हम किरण आरेख निर्मित करेंगे। वन बाय वन चलते हैं तो पहले बात कर लेते हैं हम उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए पहले स्थितियां पढ़ते हैं। तो ये उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका द्वारक, ये इसका प्रकाशित केंद्र, यहां इसका मुख्य फोकस बिंदु एफ वन बोल दिया, उसके 2 गुना 2 एफ वन। इधर प्राथमिक फोकस बिंदु, लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एफ टू बोल दिया, 2 एफ टू, और अत्यधिक दूरी पर जाने के बाद अनंत। तो हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं अत्यधिक दूरी पर, हम 2 एफ वन से परे या 2 एफ वन और अनंत के बीच में रख सकते हैं, 2 एफ वन पर रख सकते हैं, 2 एफ वन और एफ वन के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, एफ1 पर रख सकते हैं और एफ1 और ओ के बीच में रख सकते हैं। तो टोटल 6 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति अनंत, दूसरी स्थिति अनंत और 2f1 के मध्य या 2f1 से परे, तीसरी स्थिति 2f1 पर, चौथी स्थिति 2f1 और f1 के मध्य, पांचवी स्थिति f1 पर और छठी स्थिति f1 और o के मध्य। इन 6 स्थितियों में हम किरण आरेख बनाना सीखेंगे। पहली स्थिति की बात करते हैं कि बिंब कहाँ है? अनंत पर है। अब अनंत पर यानी अत्यधिक दूरी पर दो तरह की वस्तुओं के लिए हम किरण आरेख से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। पहली वस्तु जो पार्थिव हो, पृथ्वी के ऊपर स्थित हो, और दूसरा कि हमारी जो वस्तु है वो खगोलीय हो, आकाशीय वस्तु हो। तो पहली बात कर रहे हैं हम इसमें अभी ए की, पार्थिव वस्तु की, पृथ्वी पर स्थित वस्तु की। जब भी कोई
वस्तु बिंब अनंत पर होगा तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन अगर वो पार्थिव है तो वो किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर होंगी क्योंकि इतनी दूर से आएंगी, लेकिन अगर वो आकाशीय है तो एक दूसरे के समांतर तो होंगी लेकिन मुख्य अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाएंगी। जैसे चंद्रमा सूर्य तारे उनसे अगर प्रकाश आ रहा है तो वो किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी परंतु मुख्य अक्ष के साथ नियत कोण बनाएंगी, और पार्थिव पृथ्वी पर स्थित अत्यंत दूर वस्तु के लिए मुख्य अक्ष के समांतर बन जाएगी। तो हमने अनंत पर स्थित वस्तु के लिए प्रकाश किरणें दर्शा दी मुख्य अक्ष के समांतर। आप चाहें तो दूसरी किरण इसी के नीचे भी दर्शा सकते हैं, या फिर आपकी स्वेच्छा है आप मुख्य अक्ष के नीचे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तीनों एक ही प्रकार की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, और उसके लिए हम जानते हैं कि वो मुख्य फोकस बिंदु F2 से गुजर जाएंगी। तो इन दो की सहायता से बनाए तो हमारा प्रतिबिंब यहां निर्मित हो गया, और अगर इनमें से किसी एक और इसको लें तो भी हमारा प्रतिबिंब यही निर्मित होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। आप ये भी कह सकते हैं मुख्य फोकस बिंदु पर निर्मित होगा। बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो किरणों को वास्तविक रूप से मिलाने पर बन रहा है, इसलिए वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और आपको मैं दर्पणों से ही सिखा चुका हूं, अगली स्थिति से पुनः सीख लेंगे एक बार, कि जितने भी वास्तविक होते हैं वो सब उल्टे होते हैं, तो उल्टा होगा। और ये बिंदु आकार का है तो हम बिंदु आकार कह सकते हैं, या अत्यंत सूक्ष्म छोटा कह सकते हैं तो बिंदु आकार का होगा। अगर इसी अनंत की स्थिति में बी वाले भाग की बात करें कि वस्तु खगोलीय हो तो क्या होगा? प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर तो चलेंगी परंतु वो मुख्य अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाएंगी। तो जैसे सपोज हमने दो किरणें ले ली जिनमें से एक किरण फोकस बिंदु F1 के अनुदिश जा रही है, और माना दूसरी किरण जो है वो O के अनुदिश जा रही है। तो एक किरण ले ली हमने O के अनुदिश जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जाने वाली। नियम हम इसके लिए जानते ही हैं कि बिना पथ विचलन के सीधी गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण ले ली हमने इसी के समांतर, कहां से जाने वाली? F1 पर पड़ने वाली, इसी के समांतर होनी चाहिए। नियम क्या है? कि जो F1 से चलेगी प्राथमिक फोकस बिंदु से, वो लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, जहां ये दोनों मिली वहां प्रतिबिंब रचना हुई। बनने वाला प्रतिबिंब अभी भी F2 पर ही बनेगा, अभी भी वह वास्तविक ही होगा, अभी भी उल्टा ही होगा, और वस्तु से बहुत छोटा होगा। आकाशीय वस्तु बहुत बड़ी है, जैसे चंद्रमा सूर्य तारे, उनकी तुलना में ये छोटा होगा, तो हम कहेंगे अत्यधिक छोटा। कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। ये हमारी पहली स्थिति अनंत के लिए, दो भाग हो गए, पार्थिव वस्तु और खगोलीय वस्तुओं के लिए। अगली स्थिति की बात करते हैं कि वस्तु हो 2F1 से परे, या हम कह सकते हैं अनंत एवं 2F1 के मध्य, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका विश्लेषण करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा उत्तल लेंस, ये इसका द्वारक, ये इसकी मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र F1, 2F1, और वस्तु रखी है 2F1 से परे यानी कि अनंत और 2F1 के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें इस मुख्य फोकस बिंदु से गुजर जाएंगी, और प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश चलने वाली किरणें बिना पथ विचलन के निकल जाएंगी। जहां दोनों किरणें मिलेंगी वहां प्रतिबिंब निर्माण होगा। ये जो प्रतिबिंब है ये F2 और 2F2 के बीच बनेगा, अभी भी ये वास्तविक होगा लेकिन अब ये वस्तु से छोटा होगा, अत्यंत छोटा नहीं कह पाएंगे, इसकी तुलना में कुछ छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तो कहां थी ये वस्तु?
दूसरी स्थिति में 2F1 से परे यहां कह सकते हैं अनंत एवं 2F1 के मध्य प्रतिबिंब कहां बना? F2 एवं 2F2 के मध्य। कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है, तो आकार में कैसा होगा? छोटा होगा वस्तु की तुलना में। अगली बात करते हैं कि अगर वस्तु 2F1 पर हो तो क्या होगा? तो ये लेंस, ये इसका द्वारक, ये मुख्य अक्ष, प्रकाशित केंद्र F1, 2F1, यहां वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें हैं वो मुख्य फोकस से निकल जाएंगी और जो O के अनुदिश जाने वाली किरणें हैं वो बिना पथ विचलन के गुजर जाएंगी। इस अवस्था में जब प्रतिबिंब निर्माण होगा वो 2F2 पर होगा। जितना बड़ा बिंब था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब निर्मित होगा। अभी भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो क्या क्या विशेषताएं होंगी? तीसरी, बिंब की स्थिति कहाँ है? 2F1 पर। तीसरी स्थिति 2F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 पर। ऐसा बना वास्तविक, उल्टा और समान आकार का, बराबर आकार का निर्मित होगा। चौथी स्थिति है कि अगर वस्तु रखी हुई हो 2F1 और F1 के बीच में तो क्या होगा? ये लेंस, ये इसका द्वारक, ये इसकी मुख्य अक्ष, वस्तु रखी हुई है F1 और 2F1 के बीच, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें F2 से गुजर जाएंगी और O के अनुदिश चलने वाली किरणें बिना पथ विचलन के गुजर जाएंगी। जहां दोनों किरणें मिलेंगी वहां प्रतिबिंब रचना होगी। बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अब 2F2 से परे बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कहां थी वस्तु हमारी? 2F1 एवं F1 के मध्य। प्रतिबिंब कहां बना? 2F2 से परे या 2F2 और अनंत के मध्य। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा निर्मित होगा। अगली स्थिति की बात करें कि अगर हमारी वस्तु खुद फोकस बिंदु F1 पर स्थित हो, तो अगर F1 पर स्थित होगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो अभी भी F2 से गुजर जाएगी, लेकिन दूसरी किरण के लिए क्या होगा वो हमें बनानी होगी। तो O के अनुदिश जाने वाली किरण बिना पथ विचलन के सीधी गुजर जाएगी। इस अवस्था में ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर प्राप्त होंगी और समांतर किरणों के मध्य की दूरी नियत बनी रहती है, इसलिए ये ऐसी मानी जा सकती हैं कि अनंत तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, अनंत पर जाकर एक दूसरे से मिल सकती हैं। जितना ये दूर जाती जाएंगी बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता जाएगा, अनंत पर जाने के बाद वो अनंत आकार का हो जाएगा यानी कि अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। और कहां निर्मित होगा? अनंत पर निर्मित होगा। तो यदि हमारा बिंब F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये पांचवी स्थिति है, अनंत पर निर्मित होगा। कैसा बनेगा? अभी भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यधिक बड़ा होगा। हम ये भी कह सकते हैं अनंत आकार का होगा, तो अत्यधिक बड़ा या अनंत आकार का होगा। और छठी स्थिति है कि अगर वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो,
तो क्या होगा, कहां पर निर्मित होगा, कैसे होगा, उसे समझते हैं। तो ये उत्तल लेंस, ये इसका द्वारक, ये इसकी मुख्याक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2, यहाँ 2F1। वस्तु रखी हुई है F1 और O के मध्य। मुख्याक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस बिंदु F2 से गुजर गई और O के अनुदिश जाने वाली किरणें बिना पथ विचलन के निकल गई। ऐसी अवस्था में ये जो दोनों किरणें होंगी, ये इस प्रकार से निकलेंगी कि इनके मध्य इधर गैप बढ़ेगा। अगर इन्हें पीछे बढ़ाकर देखा जाए, गैप बढ़ने के कारण इधर मिलेंगी नहीं, तो अगर इन्हें पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो ये इस प्रकार किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहां वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस अवस्था में क्या हो रहा है कि अगर वस्तु F1 और O के मध्य है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर बन रहा है। हम ये नहीं कह पाएंगे क्लियरली कि वो 2F1 और F1 के मध्य बन रहा है या फिर 2F1 से परे बन रहा है, वो इधर भी बन सकता है यहाँ भी किसी सिचुएशन में। तो आपको उसके लिए कमेंट क्या करना है कि वो वस्तु की ओर बनेगा, सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर। कैसा होगा वो? आभासी। सीधा और बड़ा होगा आकार में। अब अगर इसी स्थिति के मध्य हम वस्तु को और थोड़ा आगे ले जाएं, इसी चित्र में बना दें कि वस्तु को और F1 के नजदीक ले जाएं, तो मुख्याक्ष के समांतर किरण तो यही कार्य कर जाएगी, लेकिन O के अनुदिश जाने वाली किरण अब थोड़ा ऐसे तिरछी इधर इधर निकलेगी। अब इन्हें पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो ये यहां से आती हुई प्रतीत होंगी, बनने वाला प्रतिबिंब यहां निर्मित हो जाएगा। अभी भी वो वस्तु की ओर ही होगा, वस्तु से बड़ा ही होगा, आभासी होगा, लेकिन पहले उसकी स्थिति, पहली वाली अवस्था में 2F1 से परे आ रही थी, अब वो F1 और O के मध्य आ रही है। इसलिए हमें क्या देखना है कि वस्तु की ओर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब अगर हम सारी स्थितियों को एक बार एनालाइज करें, तो जब वस्तु अनंत पर थी, वस्तु लिख रहा हूं मैं यहां, पहली स्थिति अनंत पर, तो हमारा प्रतिबिंब निर्मित हो रहा था 2F2 और F2 के बीच में, सॉरी पहले से बन रहा था F2 पर। जब वस्तु को हम अनंत और 2F2 के बीच में लेके आए तो प्रतिबिंब बनने लग गया F2 और 2F2 के बीच में। यानी हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम लेंस की ओर ला रहे हैं वस्तु को, बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो लेंस से दूर जा रहा है। अगली स्थिति में हम 2F2, 2F1 और F1 के बीच में लेके आए तो बनने वाला प्रतिबिंब तीसरी स्थिति में 2F1 और F1 के मध्य होने पर 2F2 से परे चला गया। चौथी स्थिति में जब हम 2F1 पर लेकर आए तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर पहुंच गया, अनंत पर पहुंच चुका था। तो पुनः देखिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? F2 पर। जब वस्तु आ गई कहां? अनंत और 2F1 पर, तो प्रतिबिंब बनने लग गया हमारा F2 और 2F2 के बीच। तीसरी स्थिति में जब वस्तु थी 2F1 पर, तो प्रतिबिंब बनने लग गया 2F2 पर। चौथी स्थिति में जब वस्तु थी F1 पर, तो प्रतिबिंब बन गया अनंत पर। अब पांचवी, चौथी स्थिति में कहां थी ये? 2F1 और F1 के मध्य है, तो प्रतिबिंब निर्मित हो रहा था हमारा 2F1 से परे, 2F1 से भी परे। और पांचवी स्थिति में जैसे ही वस्तु आई F1 पर, प्रतिबिंब निर्मित होने लग गया अनंत पर। अब अनंत से आगे तो कहीं जा नहीं सकता, तो जैसे ही हम छठी स्थिति में F1 और O के बीच में लाए तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनने लग गया। लेकिन जैसे जैसे अब हम इसे O की ओर ले जाएंगे तो
हमारा प्रतिबिंब भी ओ की ओर शिफ्ट होगा, पहले वो ओ से दूर भाग रहा था। तो ये थी हमारे पास उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की किरण आरेखों द्वारा व्याख्या। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस के लिए भी हमारे पास वो ही तीन किरणें उपलब्ध रहेंगी, उन्हीं के आधार पर हमें प्रतिबिंब निर्माण करना होगा। स्थितियां अगर हम ऊपरी लेवल पर देखें तो हमारे पास अगेन छह स्थितियां ही उपलब्ध हैं, लेकिन वो वास्तव में दो ही स्थितियों में बदल जाएंगी। ये मुख्य अक्ष, प्रकाशित केंद्र, द्वारक F1, 2F1 और अत्यधिक दूरी पर अनंत। तो हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं पहली स्थिति माने, अनंत और F1 के मध्य रख सकते हैं दूसरी, 2F1 पर रख सकते हैं तीसरी, 2F1 और F1 के मध्य रख सकते हैं चौथी, F1 पर रख सकते हैं पांचवी और F1 और O के मध्य रख सकते हैं छठी। लेकिन इनमें से ये सारी की सारी स्थितियां एक ही जैसा रिजल्ट देती हैं, इसलिए ये इसे अगर हम फर्स्ट कहें तो हमारे पास ये सेकंड के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि दो स्थितियां बनती है। कैसे बनती हैं उसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि हमारी वस्तु जो है वो अनंत पर है। अनंत पर मैंने दो स्थितियां समझा रखी हैं आपको, ए पार्थिव और बी खगोलीय। तो पहले बात करते हैं हम पार्थिव की। पार्थिव के लिए मैंने बताया था आपको कि प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर तो होंगी लेकिन मुख्य अक्ष के भी समांतर ही प्राप्त होंगी, जबकि खगोलीय के लिए वो मुख्य अक्ष के साथ नियत कोण बनाएगी। तो ये F1, 2F1 और अत्यधिक दूरी पर जाकर कहीं अनंत, अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, एक हमने ऊपर ले ली, नीचे ले ली, दोनों ऊपर भी ले सकते हैं जैसे हमने पिछले चित्र में बताया था आपको। ये हम फोकस बिंदु की परिभाषा में जानते ही हैं कि प्रकाश किरणें इस प्रकार से फैलती हैं कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर निर्मित होगा। कैसा बन रहा है? डॉट डॉट की किरणों से, कि आभासी। आभासी कैसे माने जाते हैं? सीधे। और ये कैसा है? अभी बिंदु आकार का है। तो कहाँ बना? ए स्थिति के लिए F1 पर आभासी बना, सीधा बना और बिंदु आकार का बना। अगर इसी में बी स्थिति को समझें कि हमारी वस्तु जो है वो खगोलीय वस्तु के लिए बात करते हैं, तो ये लेंस, अवतल लेंस, इसका द्वारक, इसकी मुख्य अक्ष, प्रकाशित केंद्र F1, 2F1, F2, 2F2। हमने एक प्रकाश किरण ले ली जो O के अंदर जा रही है, बिना पथ विचलन के सीधी हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसी के समांतर ले ली जो F2 के अंदर जा रही थी, इसी के समांतर। लेकिन नियम हम जानते हैं कि F2 के अनुदिश जाने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, प्राथमिक फोकस बिंदु के अनुदिश जाने वाली। ये इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, इधर मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो ये प्रकाश किरण यहां मिलती हुई प्रतीत होगी, यहां प्रतिबिंब रचना होगी। बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो अभी भी बी स्थिति के लिए भी F1 पर ही बनेगा, अभी भी वो बी स्थिति के लिए भी आभासी ही होगा, सीधा ही होगा, लेकिन अब वो आकार में बिंदु आकार का ना होकर अत्यंत छोटा कहा जाएगा, तो अत्यधिक छोटा होगा। अन्य स्थितियों की बात करते हैं, वो एक ही स्थिति में कैसे बदल जाती हैं। तो स्थिति तो वो एक ही कही जाएगी बाद में, लेकिन अभी मैं चित्र में उसे वन बाय वन करके अलग अलग स्थितियों के रूप में समझाऊंगा, आप ध्यान दें। तो ये हमारा अवतल लेंस, इसका द्वारक, इसकी मुख्य अक्ष, इसका प्रकाशित केंद्र, बिंदु F1, बिंदु 2F1 और बिंदु F2। सबसे पहले हमने मान लिया कि वस्तु यहां रखी हुई है F1 से परे, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से फैल गई कि ये F1 से आते हुए प्रतीत हुई।
ओ के अंदर जाने वाली प्रकाश किरण बिना पथ विचलन के निकल गई, ये अपने पथ पर सीधी निकल गई। बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो इन दोनों के कटान से बना, और वो कहाँ निर्मित हुआ? वो निर्मित हुआ F1 और O के मध्य। अगर हम इसकी स्थिति और बदलकर जैसे सपोज 2F1 पर कर दें तो समांतर किरण तो यही काम आ जाएगी, ऐसे आएगी कि F1 से आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन O के अंदर जाने वाली किरण थोड़ी सी बदल जाएगी, मामूली सी। जब ये बदलेगी तो बदलने के फलस्वरूप ये जो प्रतिबिंब है वो तुलनात्मक रूप से ओ की ओर खिसक जाएगा, लेकिन पहले भी F1 और O के मध्य ही था और अभी भी F1 और O के मध्य ही रहेगा। अगर हम वस्तु को इसके बजाय F1 2F1 और F1 के बीच में ले जाएं तो सिचुएशन क्या होगी? समांतर किरण तो यही काम आ जाएगी, O के अंदर जाने वाली प्रकाश किरण अब थोड़ा सा और बदल कर इस प्रकार से निकलेगी, प्रतिबिंब की स्थिति थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन अभी भी ये कहाँ रहेगा? F1 और O के मध्य रहेगा, वस्तु से छोटा ही रहेगा, सीधा ही रहेगा, आभासी ही रहेगा। अगर हम F1 पर भी वस्तु को रख दें तो भी सिचुएशन क्या रहेगी? समांतर किरण यही काम आ जाएगी, O के अंदर जाने वाली किरण थोड़ी सी बदल कर ऐसे निकल जाएगी। ऐसी अवस्था में प्रतिबिंब और O की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो F1 और O के मध्य ही रहेगा, वस्तु से छोटा ही रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा। अगर हम वस्तु को F1 और O के बीच में भी कहीं रख दें तो क्या होगा? समांतर किरण यही काम आ जाएगी, लेकिन O के अंदर जाने वाली किरण इस प्रकार से बनेगी, अभी भी इनके मिलने से प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो F1 और O के बीच में ही होगा, और वो वस्तु की तुलना में छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो हमारे पास इन सभी को हम एक ही स्थिति के रूप में पढ़ पाएंगे, और जो दूसरी स्थिति होगी इसके लिए वो क्या कहलाएगी? वस्तु जो है वो अनंत एवं ओ के मध्य है, ओ या प्रकाश के केंद्र कह सकते हैं आप। इस अवस्था में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी ही होगा, सीधा ही होगा, लेकिन वो कहाँ निर्मित होगा? वो F1 एवं O के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा? F1 एवं प्रकाशिक केंद्र O के मध्य है, वो वस्तु की तुलना में छोटे आकार का होगा। अगर हम इस स्थिति को F1 और O की स्थिति को अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए तुलना करें तो जैसे जैसे हम वस्तु को F1 से O की ओर ले जा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दोनों ही अवस्थाओं में O की ओर शिफ्ट हो रहा है, मैंने उत्तर में भी समझाया था अभी। परंतु एक मुख्य डिफरेंस यह है कि जैसे जैसे हम इसे F1 से O की ओर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब तुलनात्मक रूप से बढ़ रहा है, बिंब से छोटा ही है लेकिन तुलनात्मक रूप से बढ़ रहा है, जबकि अवतल के केस में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से तो बड़ा ही रहेगा, परंतु जैसे जैसे हम O की ओर चलेंगे तो उसका आकार थोड़ा घटने लगेगा, परंतु वस्तु से बड़ा ही बरकरार रहेगा। ये दोनों के प्रतिबिंब में F1 और O के मध्य का डिफरेंस है। हमें ये भी पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, अब हमने और किरण आरेखों से समझ लिया है कि जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है, जबकि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। दर्पणों में ये उल्टे कार्य थे, अवतल दर्पण केंद्रित करता था और उत्तल दर्पण फैलाता था, लेकिन उस गुण के आधार पर जो केंद्रित करता है उसे हम अभिसारी कहते हैं। तो अभिसारी लेंस कौन सा हो गया? अभिसारी लेंस हो गया हमारा उत्तल लेंस, जबकि दर्पणों में अवतल दर्पण ऐसा करता था। और जो फैलाएगा वो कौन सा बनेगा? अपसारी। तो अपसारी लेंस कौन सा हो गया? अवतल लेंस, जबकि दर्पणों में क्या था? उत्तल दर्पण फैलाता था, इसलिए उसको अपसारी दर्पण कहते थे। तो ये थे लेंसों के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले किरण आरेख। इनकी स्थिति का आकलन
हम गणितीय रूप से भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम अगली क्लास में लेंस सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। जिस तरह से हमने दर्पण सूत्र व्युत्पन्न किया था और उसकी सहायता से हम स्थितियां और प्रकृति ज्ञात कर लेते थे, ऐसे ही हम लेंस सूत्र व्युत्पन्न करके गणनाओं से भी इन चीजों को निकाल पाएंगे। लेकिन अभी हमने ये क्रम आरेखों के रूप में पढ़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।